कोलाइडल विलयनों के अगले गुण विद्युतीय गुण इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी। विद्युतीय गुणों को हम पुनः चार भागों में बांट सकते हैं। पहला है कोलाइडल कणों पर आवेश, यानी कि चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। फिर है वैद्युत कण संचलन, जिसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस भी कहते हैं। फिर आता है वैद्युत परासरण, यानी कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। और उसके बाद आएगा स्कंदन अवक्षेपण या फिर कोएगुलेशन। तो एक एक करके हम इन सारे गुणों को जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कोलाइड कणों पर आवेश। ये तो हमने पहले ही जान लिया है कि जो कोलाइड कण होते हैं, कोलाइड पार्टिकल्स होते हैं, उन पर आवेश होता है और सभी कोलाइड पार्टिकल्स पर एक समान आवेश होता है। यदि धनावेश है तो सभी कोलाइड पार्टिकल्स पर धनावेश होगा। यहाँ पर हम एक बात और बता दें कि जो पूरा कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वह पूरी तरह से उदासीन होता है। यदि कोलाइडल पार्टिकल्स पर धन आवेश होता है तो जो परिक्षेपण माध्यम के कण होते हैं उन पर ऋण आवेश होता है और दोनों मिलकर जो पूरा कोलाइडल विलयन होता है वह उदासीन होता है। और जो कोलाइडल विलयन, यहाँ पर हम देखें कि जो कोलाइडल कणों पर यदि धन आवेश है तो सारे कोलाइडल कणों पर एक समान और बराबर आवेश होता है। इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी वजह से यह होता है कि जो कोलाइडल कण समान आवेश वाले होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और प्रतिकर्षण की वजह से ये आपस में जुड़कर पुंजित या इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, क्योंकि ये यदि इन पर समान आवेश ना हो, यदि विपरीत आवेश होगा तो ये आपस में जुड़कर इकट्ठे हो जाएंगे और फिर ग्रेविटी के कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इनके बीच, जो समान आवेश वाले कणों के बीच प्रतिकर्षण होने की वजह से ये कोलाइड का स्थायित्व बना रहता है। अब यहाँ पर हम देखें कि जो कोलाइड कणों पर आवेश है वो किस वजह से आता है। तो कोलाइड कणों पर आवेश कई कारणों से हो सकता है। एक तो जब हमने देखा था कि ब्रिडिग आर्क मेथड के द्वारा जब हम विभिन्न धातुओं के सॉल बनाते हैं, कोलाइडल विलयन बनाते हैं, उस समय धातु आयन बनते हैं और धातु आयनों के साथ बनने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर निकलते हैं। तो जब ये धातु आयनों का संघनन होता रहता है, जब ये कोलाइड आकार ग्रहण करते होते हैं, तो उसी समय इनके द्वारा इन इलेक्ट्रॉनों को कैप्चर कर लिया जाता है, इनका प्रग्रहण कर लिया जाता है और इस तरह से इन पर आवेश आ जाता है। लेकिन ये जो कारण है यह बहुत ही ज़्यादा सर्वमान्य कारण नहीं है। इसके अलावा जो दूसरा कारण है वह है जो कोलाइडल कण, सॉल कण होते हैं, उनके द्वारा विलयन में से आयनों का अधिमान्य अधिशोषण, प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन, जिसकी वजह से इन पे चार्ज उत्पन्न होता है और यही कारण सबसे ज़्यादा सर्वमान्य कारण माना जाता है। इसके अलावा एक और कारण है, वह है कोलाइडल कणों के चारों ओर विद्युतीय दोहरी परत का, इलेक्ट्रिक डबल लेयर का बनना। तो इसे हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉल कणों के द्वारा विलयन में से आयनों का किस प्रकार से प्रिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन होता है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड का एक विलयन है और इस पोटेशियम आयोडाइड के विलयन में हम सिल्वर नाइट्रेट के तनु विलयन को डालते हैं। अब यहाँ पर देखिए पोटेशियम आयोडाइड की मात्रा अधिक है और सिल्वर नाइट्रेट का विलयन हम इसमें डाल रहे हैं जिसकी मात्रा कम है। अब यहाँ पर जब पोटेशियम आयोडाइड होगा वो भी आयनाइज होगा और उससे के प्लस आयन और आयोडाइड माइनस आयन बनेंगे। साथ ही यहाँ पर जब हम सिल्वर नाइट्रेट उसमें डालेंगे तो उसमें सिल्वर आयन और नाइट्रेट आयन बनेंगे। जैसे ही ये आपस में मिलेंगे वहाँ पर सिल्वर आयन, सिल्वर जो पॉजिटिव आयन है, वह आयोडाइड नेगेटिव आयन के साथ मिलकर सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप बना देंगे। जो अवक्षेप के कण होंगे
इनका साइज अभी कोलाइडल रेंज का नहीं है, क्योंकि कोलाइड तभी तैयार होगा जब इनके कणों का साइज, जो अवक्षेप बनना है उनके कणों का साइज कोलाइडल रेंज में, यानी कि 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच आ जाएगा। तो अब इन्हें क्या करना है, इन्हें अपने साइज यानी कि इनके इन्हें अपना दायरा बढ़ाना है, इनको अपने डायमीटर को बढ़ाना है। अब इसके लिए, ये डायमीटर बढ़ाने के लिए जो माध्यम में विभिन्न आयन उपस्थित हैं उनमें से किसी आयन का प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन अपनी सतह पर करेगा, और यह प्रेफरेंशियल एड्सॉर्प्शन उसी आयन का करेगा जो कि इसमें स्वयं में मौजूद है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो सिल्वर और आयोडाइड बनने के बाद, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट जब हमने डाला तो सिल्वर जो आयन है वो काफ़ी कम मात्रा में थे, वो पूरे कंज्यूम हो गए। तो और आयोडाइड बनने के बाद जो बचा हुआ आयन हमारे पास है वह होगा, यहाँ पर आयोडाइड आयन होंगे, पोटेशियम आयन होंगे और नाइट्रेट के आयन होंगे। अब इसमें से देखिए, जो सिल्वर आयोडाइड में सिल्वर और आयोडाइड आयन है, और माध्यम में हमारे पास दोनों में से केवल एक आयन आयोडाइड आयन है। तो यहाँ पर जो सिल्वर आयोडाइड के अवक्षेप के कण होंगे अपने चारों ओर आयोडाइड नेगेटिव आयनों को अधिशोषित कर लेंगे, और इस तरह से आप देख रहे हैं कि सिल्वर आयोडाइड के कण के चारों ओर आयोडाइड आयनों की एक लेयर बन जाएगी, और इस तरह से यहाँ पर हमें एक नेगेटिव कोलाइडल कण पार्टिकल या नेगेटिव सॉल प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम इसी स्थिति को उल्टा कर दें, यदि हम सिल्वर नाइट्रेट की अधिक मात्रा ले लें और इसमें हम पोटेशियम आयोडाइड की थोड़ी मात्रा डालते हैं, तो यहाँ पर भी जो सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप हमें प्राप्त होगा। लेकिन इस प्रकार अवक्षेप बनने के बाद, क्योंकि यहाँ पर हमने पोटेशियम आयोडाइड सीमित मात्रा में लिया था, इसलिए आयोडाइड आयन जो होंगे वो पूरी तरह से सिल्वर के साथ मिलकर सिल्वर आयोडाइड बनाकर कंज्यूम हो गए हैं, और इस तरह से जो माध्यम में जो आयन बचे होंगे उसमें हमें हमारे पास केवल पोटेशियम आयन, सिल्वर पॉजिटिव आयन और नाइट्रेट नेगेटिव आयन होंगे। तो यहाँ पर अब जो सिल्वर आयोडाइड का अवक्षेप होगा या सिल्वर आयोडाइड के जो कण होंगे वो यहाँ पर सिल्वर आयनों को, सिल्वर पॉजिटिव आयनों को अपने चारों ओर अधिशोषित करेंगे, और इस स्थिति में हमें पॉजिटिव सॉल प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कोलाइडल विलयन बनाया जा रहा है, और किस प्रकार से हमने कोलाइडल विलयन बनाने के लिए सॉल्यूशन लिए हैं, उसके आधार पर हम बनने वाले जो कोलाइडल कणों या कोलाइडल पार्टिकल्स पर कौन सा आवेश होगा इसके बारे में हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इसे हम एक और उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यदि हम फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइड सॉल्यूशन यदि हमें बनाना है, तो इसके लिए हम दो स्थितियां ले सकते हैं। यदि हम पहले स्थिति में हमने गर्म पानी लिया है, यदि उबलते हुए पानी में ये हम फेरिक क्लोराइड सॉल्यूशन मिलाते हैं, तो यहाँ पर फेरिक जब यहाँ पर आयन होंगे तो हमें Fe3+ आयन मिलेगा, क्लोराइड माइनस आयन मिलेगा, और चूंकि जल के अलावा यहाँ पर और कोई भी आयन मौजूद नहीं है, इसलिए जब यहाँ पर हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या जिसे हम कहें FeOH3 का जो अवक्षेप प्राप्त होगा वह अब उसके पास एड्सॉर्ब करने के लिए केवल आयरन Fe3+ आयन होते हैं, इसलिए ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड के अवक्षेप के कण होंगे वह अपने चारों ओर Fe3+ आयनों को एड्सॉर्ब कर लेंगे, और इस स्थिति में हमें पॉजिटिव सॉल प्राप्त होगा। दूसरी स्थिति में यदि हम यहाँ पर पानी की जगह पर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में हम फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं, तो वहाँ पर हम देखें कि फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप बनने के बाद हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन, फेरिक आयन और कुछ मात्रा में यहाँ पर क्लोराइड आयन मौजूद होंगे। तो इस स्थिति में यहाँ पर जो फेरिक हाइड्रोक्साइड
का जो पार्टिकल साइज या अवक्षेप के कण होते हैं वह अधिक मात्रा में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयनों को अपने चारों ओर अधिशोषित कर लेते हैं और इस तरह से हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का नेगेटिव सोल प्राप्त होता है। तो इस तरह से किस प्रकार के विलयनों का उपयोग किया जा रहा है वो निर्भर उस पर निर्भर करता है कि बनने वाले कोलाइडल सॉल्यूशन में जो कोलाइडल कण होंगे उन पर किस प्रकार का आवेश होगा। इसके बाद जो गुण आता है वह है इलेक्ट्रिक डबल लेयर या विद्युतीय दोहरी परत। यहाँ पर आपने देखा कि जो प्रिफ्रेंशियल एडजॉर्प्शन के बाद जो कोलाइडल कणों पर जिस प्रकार का आवेश आता है चाहे धन आवेश आए या फिर ऋण आवेश आए तो इस प्रकार से आवेशित होने के बाद अब ये धनावेशित या ऋणावेशित कोलाइडल कण माध्यम में अभी उपस्थित में जो बचे हुए प्रति आयन जिसे हम कहेंगे विपरीत आयनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे कि हम उदाहरण लें यहाँ पर जो सिल्वर आयोडाइड का जो नेगेटिव सॉल हमें प्राप्त हुआ है इसमें जो आयोडाइड आयनों की जो पहली परत है वो अधिशोषित है उसे हम फिक्स्ड लेयर कहते हैं, है ना। लेकिन इसके बाद चूंकि यहाँ पर माध्यम में अभी पोटेशियम के धनावेशित आयन भी मौजूद हैं इसलिए ये जो नेगेटिव सोल है के कण हैं ये विलयन में से पॉजिटिव आयनों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन ये जो आयनों की इस लेयर बन रही है वो गतिशील होती है ना, इसे डिफ्यूज लेयर या विसरित परत भी कहते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो कोलाइडल पार्टिकल है उसमें आवेशों का पृथक्करण हो जाता है, एक लेयर नेगेटिव चार्ज की दिख रही है आपको और दूसरी लेयर पॉजिटिव चार्ज की दिख रही है और इस तरह से दो लेयर आवेशों के पृथक्करण की वजह से यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इस तरह से विपरीत आवेशों वाली एक स्थिर परत और विसरित परत के बीच ये जो विभवांतर होता है उसे हम वैद्युत गतिक विभवांतर या जीटा विभव या जीटा पोटेंशियल कहते हैं और ये जीटा पोटेंशियल जो है वह उत्तरदायी होता है कोलाइडल सॉल्यूशन के स्थायित्व के लिए। क्योंकि हमने देखा कि जब इस प्रकार का अवक्षेप बनता है यदि इस पर विद्युतीय दोहरी परत ना आए तो ये जो अवक्षेप के कण होंगे वो इनमें थोड़ा बहुत वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और ये कण आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़कर ये क्या होंगे, ये सेटल डाउन हो जाएंगे, अवक्षेपित हो जाएंगे। तो इस वजह से इनमें जब दोहरी परत विद्युतीय दोहरी परत आ जाती है तो इसकी वजह से इनमें पर्याप्त विकर्षण पैदा होता है और इस पर्याप्त विकर्षण होने की वजह से या जीटा विभव होने की वजह से ये एक दूसरे से पर्याप्त विकर्षित रहते हैं या कहें कि पूरे कोलाइडल विलयन में परिक्षिप्त रहते हैं और कोलाइडल विलयन का अस्तित्व बना रहता है। इस स्थिति में हमने देखा होगा कि जब हम कोलाइडल सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डाल देते हैं तो जो कोलाइडल विलयन है वह अवक्षेपित हो जाता है। वहाँ पर क्या होता है, यदि हम इस तैयार कोलाइडल सॉल्यूशन में जिसमें कि विद्युतीय दोहरी परत बनी हुई है और वह पर्याप्त स्थायी है यदि हम इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट चूंकि उस पर धनावेशित और ऋणावेशित आयन होंगे ये जो आयन होते हैं ये बाहरी परत जो विसरित परत होती है उसे ये डिस्टर्ब कर देते हैं यानी कि जो दूसरी परत है वो डिस्टर्ब हो जाती है जिसकी वजह से यहाँ पर जो जीटा विभव है जीटा पोटेंशियल है उसके मान में कमी आ जाती है और इसकी वजह से जो वैद्युत स्थिर पोटेंशियल का जो मान है वह भी कम हो जाता है और ऐसी स्थिति में जो सॉल्यूशन है वह एक जो कण है कोलाइडल कण होते हैं एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं और विलयन जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है वह अवक्षेपित हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि विद्युतीय दोहरी परत के बनने और जीटा विभव की वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन का स्थायित्व बना रहता है।
तो ये हैं कोलाइडल विलयनों के विद्युतीय गुण। विद्युतीय गुणों के अंतर्गत अगला गुण है विद्युत कण संचलन या इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये तो हम जानते हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, कोलाइडल कण हैं, उन पर या तो धन आवेश होता है या तो ऋण आवेश होता है। यदि इस प्रकार के कोलाइडल कण को हम जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं एक यू ट्यूब की नली में ले लें और इनके दोनों सिरों पर यदि हम इलेक्ट्रोड लगा दें और इलेक्ट्रोड का संपर्क जब हम बैटरी से करते हैं और यहाँ पर जब हम विद्युत विभव अप्लाई करेंगे, यहाँ पर विद्युत प्रवाह जैसे ही हम करते हैं, तो जो कोलाइडल कणों पर जिस प्रकार का आवेश होगा वह अपने विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की तरफ गति करने लगता है। जैसे मान लीजिए कि कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, उनमें पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से वह नेगेटिव चार्ज यानी कि कैथोड प्लेट की तरफ गति करने लगेंगे और कैथोड पर जाकर, क्योंकि ये अपने आवेश को वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएंगे कर देंगे और वहाँ पर ये डिपॉजिट हो जाएंगे यानी कि अवक्षेपित हो जाएंगे। तो इस तरह से वैद्युत कण संचलन को के द्वारा यानी कि विद्युत विभव के प्रभाव में, विद्युत विभव के प्रभाव में कोलाइडल कणों का जो गति होती है या संचलन है वह विद्युत कण संचलन कहलाता है। और इस गुण का उपयोग करके हम कोलाइडल पार्टिकल्स पर किस प्रकार का आवेश है उसकी पहचान कर सकते हैं। जिस इलेक्ट्रोड पर कोलाइडल कण आकर अवक्षेपित हो रहा है उससे विपरीत आवेश कोलाइडल कणों पर पाया जाता है। दूसरा है, इसी में हम देखें कि इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस या दूसरा जो गुण है वो है विद्युत परासरण। विलयन अध्याय में हमने देखा था कि जो परासरण होता है वहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल है वह गति नहीं करता, यहाँ पर जो सॉल्वेंट पार्टिकल होता है वह गति करता है। तो इस तरह से इसी प्रकार यू नली में यदि हम इलेक्ट्रो जो कोलाइडल सॉल्यूशन लें और किसी तरह से यदि हम कोलाइडल पार्टिकल्स की गति को रोक दें, यदि हम यहाँ पर बीच में एक पार्चमेंट पेपर लगा दें, है ना, तो जिससे कि इनका जो कोलाइडल कणों की गति है वो रेस्ट्रिक्टेड हो जाए, रुक जाए, तो ऐसे स्थिति में जो कोलाइडल प्रक्षेपण माध्यम होगा, क्योंकि उस पर भी हमने कहा आवेश होता है, जो आवेश कोलाइडल कणों पर होगा उसके विपरीत आवेश प्रक्षेपण माध्यम के कणों पर होता है। तो यहाँ पर जब हम देखें कि शुरू में जब हमने कोलाइडल सॉल्यूशन इसमें लिया है तो दोनों तरफ हम उसकी जो स्तर है, कोलाइडल सॉल्यूशन का स्तर है, दोनों इलेक्ट्रोड की तरफ हम देख लेते हैं और उसके बाद जब यहाँ पर हम बीच में एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगाकर जब यहाँ पर कोलाइडल पार्टिकल के गति को रेस्ट्रिक्टेड कर देते हैं और इस स्थिति में जो कोलाइडल प्रक्षेपण माध्यम होता है वह विपरीत आवेश की तरफ गति करने लगता है। मान लीजिए यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन पर नेगेटिव चार्ज है तो वह पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ गति करेगा और वहाँ पर एनोड की दिशा में जो कोलाइडल सॉल्यूशन का स्तर है वह बढ़ जाएगा और चूंकि यहाँ पर कोलाइडल प्रक्षेपण माध्यम पर नेगेटिव चार्ज था तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स होंगे उन पर पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि इस को देखकर हम जान सकते हैं कि जिस दिशा में यहाँ पर कोलाइडल सॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है वही, या जिस इलेक्ट्रोड की तरफ कोलाइडल सॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है वही आवेश कोलाइडल पार्टिकल्स में पाया जाएगा, क्योंकि कोलाइडल जो प्रक्षेपण माध्यम है उन पर जो आवेश है वह उससे विपरीत है। तो इस तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रो, यह जो प्रक्रिया कहलाती है वह इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहलाती है।